अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारी पप्पो जो है लाहौर से आ रही हैं और उनके लिए अभी किचन में खाना वगैरह अम्मी और भाभी मिलकर बना रहे हैं। देखें हमारे क्या बिरयानी बना रही हैं, सब मोस्ट फेमस है। तो ये दावत में खाने में जब ये ना हो तो खाने का चस्ट ही नहीं आता जी। और सबकी फेवरेट है ना, सबकी फेवरेट होती है वैसे भी बिरयानी। और अभी हम चिकन को कर रही हैं, मसाला लगा दिया है, साथ में फ्राई कर रहे हैं, बिरयानी रखेंगे। हम भी सुबह से छोटे मोटे जो काम है वो कर रहे हैं, कमरा सेट किया है, कमरा वगैरह सेट किया है, साथ में सफाई छोटी मोटी की है। काफ़ी टाइम बाद हमारी फूफो आ रही हैं तो आपके साथ हम अपनी रूटीन शेयर करेंगे। फूफो की आएंगी, थोड़ा सा व्लॉग में आपको बताएंगे। ये देखें मैक्रोनीस के लिए हमने वेजिटेबल्स वगैरह कर ली हैं और मैक्रोनीस का प्रोसेस भी आपको पता कितना बड़ा होता है। हम लोगों ने पहले ये कटिंग कर ली है, हमने नहीं, भाभी और अभी लगे हुए हैं करने। मैं तो खाली वीलॉग बना रही हूँ, पहले देखते हैं अब फाइनल ये जब सब तैयार हो जाएंगी तो चीज़ें कैसी लगती हैं। साग और हल्दी का, सरसों का साग और मकई की रोटी भी तैयार करेंगे। सरसों का साग और मकई की रोटी का कॉम्बिनेशन तो वैसे भी बहुत लोगों को पसंद है, खाते हैं। पप्पो को भी अच्छा लगता है, तो अम्मी की लाइफ का ख्याल रखेंगे, उसके हिसाब से खाना जो है तैयार किया जा रहा है। कुछ पौधे मेरी मम्मा ने लगाए हुए हैं, ये थोड़े से हैं, ये हमने बाहर रखे हुए हैं। सबसे ज़्यादा ये एरिसेन प्लांट मुझे अच्छा लगता है, ये बहुत ही प्यारा है, इसकी स्टेम्स हैं और ये बहुत ही प्यारे कलरफुल लीव्स हैं इसके, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप इसकी स्टेम्स देख सकते हैं, ये अब देखें हमारा कितना फैल चुका है और ये फैला हुआ है काफ़ी ज़्यादा, ये साइड पर भी जा रहा है। ये मुझे पर्सनली अम्मी की चीज़ों में, पौधों में बहुत अच्छा लगता है। मेरी अम्मी को पौधे बहुत ही ज़्यादा कुछ पसंद हैं, ये देखें माशाल्लाह, ये है भी बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत सा है। ये वाला भी प्लांट मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, इसके कलर्स बहुत ही प्यारे हैं माशाल्लाह से, ये देखें बहुत ही कलर्ड लीव हैं इसके। और मौसम चेंज हो रहा है जिसकी वजह से अब कुछ ही जो प्लांट्स हैं वो अभी भी बाकी हैं, जो हर मौसम में सर्वाइव कर लेते हैं, और बाकी जो है अब ड्राई हो चुके हैं। ये अभी भी फ्रेश है माशाल्लाह से, सूरत दिख रहे हैं ये। और ये हमने एलोवेरा भी काफी लगाया हुआ है, का एक ऑब्सेशन है केले। अम्मी को मनी प्लांट बहुत ही ज्यादा पसंद है, अम्मी ने घर में बहुत ज्यादा मनी प्लांट जगह जगह लगाए हुए हैं। ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है मनी प्लांट, वो बहुत ही ज़्यादा अपने पौधों का ख्याल रखती हैं। अचानक से मौसम जो है चेंज हो गया है, धूप चली गई है, जो तीन दिन हुए हैं आजकल धूप आ रही थी तो मौसम ज़्यादा अच्छा हो गया था, लेकिन अभी अचानक से बादल आए हुए हैं और हम वेट कर रहे हैं पप्पो लोगों के आने का, वो भी ऑलमोस्ट आने वाली हैं और मेरी सिस्टर भी साथ आएगी, भांजे भतीजे भी आएंगे। तो ऐसे आप देख सकते हैं खुदा का मौसम है, यहाँ सामने चिड़िया आई हुई है, दरख्त के पत्ते मुरझा गए हैं, लेकिन कुछ जो है लगे नहीं है, ये भी बहुत ही ड्राई हो गए हैं। नानू के घर कौन आया है? हनी क्या निकल है? क्या कर रहे हैं? टीथ आपका निकल गया, ये कब निकला है? अब अम्मी बना रही हैं मकई की रोटी, और मकई की रोटी के साथ हमने साग का कॉम्बिनेशन किया था।
मम्मी जो है इस मेथड से मकई की रोटी बनाती हैं शॉपर के अंदर लपेट के, तो ये मकई की रोटी साथ चिपकती भी नहीं है, और इसे राउंड करने के लिए वो कोई भी बर्तन ले लेती हैं जिसके एजेस शार्प हों, उससे कट कर लेते हैं और बिल्कुल राउंड रोटी बनती है। तो जिन्हें राउंड रोटी ज़्यादा पसंद है तो वो इस तरह वाली ट्रिक को भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये बहुत ईजी है। फाइन के बाद आती है खाने की बारी, और अब मुझे भी बहुत ज्यादा भूख लग रही है और सबके साथ साथ मैं भी अब बैठ के खाना खाने लगी हूँ। सेहत का राज। मैंने अपने लिए मैक्रोनी डाल ली है और अब मैं भी खाना खाने लगी हूँ, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। मिलते हैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।